उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी के विरोध में अब सड़कों पर उतर आए। बर्खास्त कर्मचारियों ने विधानसभा के गेट के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि 2016 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए, जबकि उससे पहले के जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उनको परमानेंट कर दिया गया, जब उनके लिए जिस नियम का हवाला दिया जा रहा है, जिस भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है उसी तरह पहले भी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, तो वही बर्खास्त कर्मचारियों के धरने पर बैठने के बाद राजनीतिक रोटियां सिकनी शुरू हो गई। ये 21 सितंबर 2022 को हम लोगों को डीके कोटिया जो जांच समिति थी उसमें हमको बाहर किया हुआ है, जबकि अवैध भर्तियां बैकडोर भर्तियां 2001 से 22 तक हुई हैं और कोर्ट में भी जो है हमारे खिलाफ काउंटर एफिडेविट में मैडम ने साफ साफ लिख के दिया है कि 2001 से 22 तक सारी बैकडोर भर्तियां हैं, नियम विरुद्ध हैं, अवैध नियुक्तियां हैं। तो आखिर ये कार्रवाई, ये बीमारी जड़ से साफ क्यों नहीं हो रही? हमें न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। ये पूरी जांच पूरे बाहर होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे 16 साल हो गए यहाँ पे और मेरे घर में मकान भी नहीं है। अब जाए तो इस आदमी मतलब हम कहाँ जाए, तो पूरा न्याय चाहिए सर। आगे स्टेप ये धरना चलते रहेगा और पूरे एक एक जनमानस को पूरा पता चलेगा कि अवैध भर्तियाँ हैं, पूरी अवैध भर्तियाँ, हम भी अवैध हैं, पूरी विधानसभा अवैध है, क्योंकि कोई टेस्ट देखे नहीं आया है यहाँ पे। अगर जैसे कुंजवाल जी ने यहाँ पे हम लोग को लगाया 2016 में, जब उनकी भर्ती अवैध है तो उनका नियमितीकरण कैसे वैध हो जाएगा, वो लोग कैसे वैध हो जाएंगे? और उनके खिलाफ विधिक राय लेती हूँ करके 4 महीने हो गए, विधिक राय क्यों नहीं ली जा रही, क्यों बरगला जा रहा है? कलम एक ही है, सब कुछ एक ही है, सारे कर्मचारी एक ही है, सारी प्रक्रिया एक ही है। तो विधिक राय जनता को गुमराह करना बहुत गलत बात है, सबके समान होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ठीक। नाम बता दीजिएगा अपना। सर, मेरा नाम 7 साल से मैं विधानसभा में कार्यरत हूँ। अचानक से हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा क्या दोष है एक बार बताइए? अगर हम यहाँ पे आए हैं, विधानसभा में आए हैं, कोई भी पूरे उत्तराखंड में किसी को भी नौकरी पाने का अवसर मिलता तो हर कोई आता, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मना करता, कोई नहीं करता। अगर हम अवैध हैं, हम तदर्थ नियुक्ति अवैध हैं, तो ये 2016 से जो अवैध भर्तियां हैं ये कैसे वैध है? हमारी बात तो ये समझ में नहीं आ रही है। मैडम ने इतना आधा अधूरा न्याय क्यों किया? मैडम बोलती है कि कठोर निर्णय लिया है, तो कठोर निर्णय पूरा लीजिए ना, आधा निर्णय कैसे लिया गया? आधे लोगों को तो आप धन्यवाद भोज करा दिए और आधे लोगों को आपने ऐसे बाहर फेंक रखा है, जबकि आप खुद कहती हैं, खुद आप काउंटर एफिडेविट देती हैं कि अवैध भर्तियां हैं। तो 2001 से 2016 वालों पे क्यों कार्रवाई नहीं की गई? 3 महीने हो गए विधिक राय ले रहे हैं, क्यों उनके लिए विधिक राय नहीं ली गई? इस बात का हमारे पास मतलब हम इतना अंदर से टूट चुके हैं, वो हो गए हमारे बच्चे हैं, मतलब हम क्या करें ये बताइए? विधवाएं हैं, उनके बच्चों से पहली बाप का साया छीन चुका है और जो बचा कुचा माएं बच्चों को अपने पाल रही थी वो भी आपने हमसे छीन लिया, हम कहाँ जाएं ये बताइए हमें, हम क्या करें? हम कुछ नहीं होगा तो हम यहाँ सामूहिक आत्मदाह का ऐलान करते हैं और हम सब करेंगे। बोलो सब जाएंगे मैडम के घर के अंदर करके करेंगे, हम कहाँ जाएंगे बताइए, हम क्या करेंगे? 7 साल से हम अपने घर में बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी पूरी गृहस्थी छोड़ के यहाँ आए, हम क्या करेंगे? मैडम ने हमें ऐसे धक्के मार के बाहर फेंक दिया है, बिल्कुल आधा अधूरा न्याय हमारे साथ हुआ, सब कुछ हुआ है हमारे पीछे लगे मैडम, बिल्कुल। और मैडम के पास कोई काम धाम नहीं, हमारे पीछे हाथ धो के मैडम पड़ी हुई है। क्यों मैडम कहती है मैं एक माँ हूँ? वो कैसी माँ है जो हमारे बच्चों के मुँह का निवाला छीन लिया? कैसी माँ है वो? मेरे को समझ में नहीं आता ये बात। चलिए वहीं भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा ने नैतिक साहस दिखाते हुए विधानसभा में भर्ती प्रकरण की जांच कर नियुक्तियां रद्द की और अब कांग्रेस की बारी है कि वो भी मिसाल कायम करे। नैतिकता की शुरुआत स्वयं से होती है, लिहाजा कांग्रेस को सबसे पहले अपनी पार्टी से रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्षों पर अवैध नियुक्तियों को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मैं कल भी इस विषय में व्यापक रूप से मैंने बात विषय रखा है। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, पीठ का निर्णय है, पीठ ने नियुक्ति की, पीठ ने हटाया, और पीठ के निर्णय पर प्रश्न चाहे 2016 का भी पहले का हो चाहे बाद का हो, 2017 के बाद की तो बर्खास्त हो गए। न्यायालय में भी लोग गए तो उनको न्याय नहीं मिला, स्वाभाविक रूप से उस
तथ्य को मान लिया गया कि नियुक्तियां गलत हुई, उनको हटा दिया गया। अब प्रश्न हरीश रावत ये कर रहे हैं कि 2016 का क्या होगा, मैं बता रहा हूं ना। अब नैतिकता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अध्यक्ष प्रकाश पंत जी आज दुनिया में नहीं है, दूसरे अध्यक्ष हमारे यशपाल आर्य जी, उनको कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है और वो आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तीसरे थे अपने कपूर साहब, वो भी दुनिया में नहीं है। चौथे थे हमारे कुंजवाल जी, वो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इनका नंबर पांचवा आता भाई। अगर नैतिकता का विषय है तो पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में वो आज दर्जा लिए हुए हैं यशपाल आर्य जी, उनको हटाए ना कांग्रेस, तब चर्चा करे। हमने तो नियुक्ति रद्द कर दी, कहां प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, कहां नेतृत्व की बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो सर सवाल यही हुआ, जैसे कांग्रेस ने किया वैसे आप कर रहे हैं। हमने कार्रवाई कर दी भाई, तो इन पर कार्रवाई, हमारी नियुक्ति टेम्परेली थी और जो नियुक्ति टेम्परेली हट गई है, विषय समाप्त हुआ। नैतिकता तो आज नैतिकता का प्रमाण तो उनको देना पड़ेगा ना पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर और कांग्रेस भी सफाई देती हुई नजर आ रही है, साथ ही भाजपा पर भी कई सवालों का बौछार कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि उनकी सरकार के समय विधानसभा स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुंजवाल जब अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और कार्यवाही की बात कर रहे हैं, तो भाजपा के समय पर हुई भर्ती को लेकर क्यों नहीं उनके राजनेता स्वीकार कर रहे हैं और यह एक छलावा जनता के साथ किया जा रहा है। अगर भाजपा इतनी साफ सुथरी है तो 2000 से लेकर अब तक हुई भर्तियों पर निरपेक्ष कार्यवाही करे। बैकडोर भर्ती के मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, बड़ी हास्यास्पद है। वह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 6 सालों से इस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, शायद ये उनको पता नहीं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी का सवाल है, गोविंद सिंह कुंजवाल जी बैकडोर भर्ती के मामले में पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। वो प्रदेश की जनता से माफ़ी भी मांग चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि अगर सरकार को लगता है कि उनकी गलती है तो उनको अगर जेल भेजना चाहती है तो जेल भेजे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन प्रभावशाली लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो इस भर्ती कांड के लिए दोषी हैं, जिन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बैकडोर भर्ती में अपने चहेतों को नौकरियां दिलवाई, अपने परिजनों को नौकरियां दिलवाई। उनको आखिर भारतीय जनता पार्टी बचा क्यों रही है? और राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक की भर्तियों पर पूरी तरह से कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? केवल षड्यंत्र के तहत 2016 के बाद की भर्तियों पर ही चाबुक चलाया गया है। ये बहुत ही शोचनीय और जो है चिंतनीय विषय है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहती है और अगर जनादेश का सम्मान करना चाहती है तो 2000 से लेकर अब तक की सभी भर्तियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या स्टैंड ले रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, ये जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए, ना कि कांग्रेस पार्टी को कोसना, उससे कुछ नहीं मिलेगा। विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में अब तक हुई बड़ी कार्रवाई के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने चल रही है, जिसमें आज बड़ी संख्या में निरस्त कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार का विरोध किया। तो वहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे के पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्षों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है।